हमने किया था कुछ नुमेरिकल थे करंट से रिलेटेड और हमने चार्जिंग मतलब, uh, के मेथड पढ़े थे आज हम मतलब की जो वर्क या पोटेंशियल डिफरेंस हमने किया था उससे रिलेटेड कुछ नुमेरिकल्स करेंगे सो लेट्स गेटेड फर्स्ट नुमेरिकल हमारे पास वट इज दोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ बैटरी इज टू फिफ्टी Of work is required to transfer 20 coulomb of charges from one terminal of battery to other. So पहले में क्या करना है Given लिखना है तो given लिखते हैं Given हमारे है पास एक तो वर्क है ये हमने पढ़ा, पढ़ा था ना वर्क की यूनिट क्या होती है जूल तो अभी इसमें दे रखा है टू फिफ्टी जूल तो ये क्या हो गया वर्क हो गया ये हमारे पास है वर्क नेक्स्ट है हमारे पास ट्वेंटी कुलम ऑफ चार्ज चार्ज दिया हुआ है ट्वेंटी कुलम हमारे पास फॉर्मूला क्या था हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय में क्यू या फिर सी क्यू और सी मतलब सेम होता है कुलम ये होता है और ये भी उसी की चार्ज की ही यूनिट है तो अब इसमें हम पुट करते हैं अपनी सारी जो गिवन uh, है वी हमें फाइंड आउट करना है तो W है हमारे पास 250 फिफ्टी जूल और चार्ज है हमारे पास 20 तो अगर हम इसको सोल्व करें तो हमारे पास वर्क कितना आ जाएगा अगर सोल्व करें अगर टू को ट्वेंटी को हम ट्वेंटी फाइव टू फिफ्टी से डिवाइड करें तो वर्क हमारे पास आएगा वन 12.5 तो 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 हमारा आंसर होगा अगर तो हमें कोई भी numerical solve करना होता है तो पहले उसका क्या लिखेंगे हम जो भी उसमें है है फिर जो जो given है, उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि कौन सा formula उसमें यूज करना है और उसमें सारी चीज हमें पुट कर देनी है सिंपल ऐसे ही सारे न्यूमेरिकल्स हमारे सोल्व होते जाएंगे नेक्स्ट है हाउ वर्क इज डन इन मूविंग चार्ज ऑफ 12 कूलम अक्रॉस टू पॉइंट ऑफ टू वोल्ट अब देखो इसमें क्या क्या गिवन है पहले हम गिवन लिखते हैं गिवन गिवन है हमारे पास चार्ज ट्वेल्व कुलम और पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है मतलब भी दिया हुआ है हमारे पास जो है टू वोल्ट अब फॉर्मूला क्या था हमारे पास v इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई में क्यू अब इसमें हमारे पास ये दे रखा है और ये दे रखा है निकालना ही है तो हम इसको एक तरीके से वर्क का फॉर्मूला बना लेते हैं तो क्या करेंगे जो q है डिवाइड में साइड जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई तो वर्क का फॉर्मूला क्या आ जाएगा वी इंटू में क्यू तो so, अब आएगा w इज इक्वल टू में टू मल्टीप्लाई बाय में ट्वेल्व और वर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी ट्वेंटी फोर जी कि इतना 24 जूल का जो हम वर्क कर रहे हैं 12 कूलंब ऑफ चार्ज को मूव करने के लिए और जिस कंडक्टर में क्या है 2 वोल्ट ऑफ का पोटेंशियल डिफरेंस है अब आगे हम पढ़ते हैं एक और न्यूमेरिकल है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है ये कि हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे जब 1 कूलंब ऑफ चार्ज होगा तो देखो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन के हमें एक फिक्स्ड वैल्यू याद रखनी होती है वो होती है टू पावर और अब क्या दे रखा हमारे पास कि चार्ज कितना है 1 का है तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी देखो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने तो हमें पता चल जाएगा ना कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इसी ही में ही है और बाकी किसी फॉर्मूला में तो है नहीं तब हम इसमें पुट करेंगे Q है हमारे पास

सिक्स टू फाइव इंटू टेन रेज टू पावर माइनस नाइनटीन इलेक्ट्रॉन इतने इलेक्ट्रॉन जो हैं हमारे होंगे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारे पास है ओम स्लो ओम स्लो है जो वो गिर गी, गिर साइमन ओम ने डिस्कवर किया था किसने गर्द साइमन ओम ने 1781 और 1854 तक उसकी डिस्कवरी चल रही थी अब इसमें ओम्स लो कहता क्या है कि इन फिजिकल कंडीशन लाइक टेंपरेचर प्रेशर एक्सेट्रा ऑफ अ कंडक्टर आर कीप चेंज द करंट फ्लोइंग थ्रू इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड तो ये कहता है कि कोई भी फिजिकल कंडीशन हो चाहे वो टेम्परेचर हो प्रेशर हो कुछ भी हो उसमें जो कंडक्टर का जो करंट होगा पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो चेंज नहीं होगा वो एक पोटेंशियल डिफरेंस और जो करंट है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे कि अगर आई बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा आई घटेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीज ही होगा तो so, ये मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का अब देखते हैं अब देखो हमारे पास क्या है वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ये है हमारे पास एक पोपोर्सनैलिटी साइन इसको हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक हमारे पास कॉन्स्टेंट आ जाएगा तो वो कॉन्स्टेंट क्या होगा हमारे पास आर वी इज इक्वल टू मै आई आर हमारे पास ये एक फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा अब है v इसमें क्या है पोटेंशियल डिफरेंस है हमारे पास v इसमें क्या है पोटेंशियल डिफरेंस है करंट i करंट है और r प्रोपोर्सनैलिटी कॉन्सटेंट है जो कि रेजिस्टेंस है अब आगे है ये है वी आई ग्राफ कि हमने देखा कि जो वी है वो आई के डायरेक्टली परपोर्शनल है तो अगर ये डायरेक्टली परपोर्शनल है तो इनका जो ग्राफ बनेगा वो भी क्या बनेगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा वो भी क्या बनेगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आगे है रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस के बारे में मैंने थोड़ा कुछ लास्ट क्लास में भी बताया था कि वो एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो करंट के फ्लो को अपोज करती है तो हमने देखो पिछले में क्या देखा था कि हमारे पास एक वो आ गया था formula. v to, यार. अब क्या है आर क्या है हमारे पास रेजिस्टेंस है अब इसमें ये रेजिस्टेंस है तो अगर हमें आर का फॉर्मूला निकालना है तो क्या होगा कि किसी इसको इक्वल टू में रखना पड़ेगा अब आई यार मल्टीप्लाई में था तो जाके क्या हो जाएगा डिवाइड तो ये हमारे पास आर का आ जाएगा मतलब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अब रेजिस्टेंस की होती है यूनिट ओम क्योंकि इसका देखो डिराइव भी किससे हुआ है ओम स्लो से तो हमने इसकी यूनिट क्या रख दी ओम इसकी यूनिट हो गई हमारे पास ओम अब नेक्स्ट है हमारे पास एक क्वेश्चन है ये भी बहुत बार पूछ लिया जाता है कि डिफाइन वन ओम अब वन ओम क्या होगा

पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी वन होना चाहिए वन वोल्ट और जो करंट है हमारे पास वो भी क्या होना चाहिए वन एम्पियर तो वो इसी डेफिनेशन में कहा कि एक ओम रेजिस्टेंस तब होगा जब किसी भी कंडक्टर में से एक एम्पियर करंट फ्लो हो रहा होगा वेन जब एक वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो so, ये डेफिनेशन ये कहती है ये बहुत बार पूछा, पूछ लिया जाता है एक दो या मार्क्स आता है बस ज्यादा का नहीं आता बट इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट है रेजिस्टेंस कि, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है पहला आता है नेचर ऑफ मटेरियल कि मटेरियल कैसा है उसी हिसाब से रेजिस्टेंस काम करेगा ऐसे ही है रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल देखो रेजिस्टेंस नेचर ऑफ मटेरियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो नेचर ऑफ मटेरियल इंक्रीज होगा मतलब अच्छा होगा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा और अगर नेचर ऑफ मटीरियल ही बेकार है तो रेजिस्टेंस भी कम ही होगा ऑब्वियसली तो ये ही है तो पहली तो फैक्टर ये था दूसरा फैक्टर है हमारे पास लेंथ ऑफ कंडक्टर कि अब ये तो जो होगा रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि देखो अब ये अगर लेंथ बढ़ा दे अगर हम किसी भी कंडक्टर की तो उसमें रेजिस्टेंस क्या होगा ज़्यादा होगा और अगर घटा दें तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा कम फ्लो होगा नेक्स्ट है एरिया ऑफ एरिया और साइज ये मतलब कि जो होता है रेजिस्टेंस के इनवर्सली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया अब देखो यहाँ पे था हमारे पास क्या ये जो दो करेक्टर है या फैक्टर है जो ये कंडक्टर और एरिया अब देखो यहां से हमारा एक फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा रेजिस्टिविटी का देखो लेंथ जो है एरिया ऑफ प्रोसेक्शन तो ये हमारे पास बन गई वन इक्वेशन ये हमारे पास टू अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो क्या होगा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए यही होगा कि देखो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल इन टू में वन बाय ए तो यही तो आएगा ना बाद में तो यही है कि ये एक फॉर्मूला आ गया हमारे पास क्या किसका रो का रो मतलब रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी का सिंबल कुछ ऐसा होता है इस टाइप से होता है कुछ पी मान लो इसको पी पी की शेप का होता है कुछ नेक्स्ट है हमारे पास टेम्परेचर कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा क्योंकि ये भी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये तो देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस इंक्रीज मतलब डिक्रीज होगा तो जो टेम्परेचर है वो भी हमारा डिक्रीज हो रहा है रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा नेक्स्ट है डायमीटर ऑफ अ वायर किसी भी वायर का डायमीटर ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है देखो r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/ में d कि अगर r इंक्रीज होगा तो d डिक्रीज होगा r डिक्रीज होगा तो d इंक्रीज होगा डायमीटर ऑफ फायर है मतलब ठीक है अब देखो आ गया जो मैंने भी बताया था ना आपको रो का रेजिस्टिविटी का तो उस सिंबल को हम रो बोलते हैं आ गया देखो ये रहा ये इसका सिंबल है ये दिख रहा होगा ये अब आता है ये ये सिंबल है रो इसको हम क्या बोलते हैं सिंबल को सिंबल है रो का जो कि है रेजिस्टिविटी ये है रेजिस्टिविटी अब है हमारे पास ये फॉर्मूला भी आ गया आज इक्वल टू रो एल बाई ए ये है एरिया पास रेजिस्टिविटी नेक्स्ट है हमारे पास रेजिस्टिविटी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है ये बस दो फैक्टर पे डिपेंड करती है एक है नेचर ऑफ मटेरियल और एक है टेम्परेचर और ये इसमें से देखो एक पे डायरेक्टली डिपेंड करती है और एक में इनवर्सली नेचर ऑफ मटेरियल जितना होगा उतना ही रजिस्टिविटी होगी कम होगा तो रजिस्टिविटी भी कम होगी नेचर ऑफ मटेरियल ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेचर ऑफ मटेरियल तो रजिस्टिविटी के और अगर हम देखें टेम्परेचर टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि अगर हमारे पास जो रो है मतलब की रजिस्टिविटी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल की अब टी इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज हो जाएगी ये इंक्रीज होगी तो ये डिक्रीज हो जाएगी तो so, ये ये कह दिया नेक्स्ट मतलब कि इसी से जो हमारे पास फॉर्मूला आया था उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं लेट्स सी क्या है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी व्हेन एरिया इज डबल देखो दोनों का अलग अलग सेक्शन बना लेते हैं यह हो गया हमारे पास रेजिस्टेंस और ये हो गया हमारे पास रेजिस्टिविटी अब फर्स्ट क्या कह रहा है हमारे पास कि क्या होगा अगर एरिया को हम डबल कर देंगे देखो पहली बात रेजिस्टिविटी तो डिपेंड करती नहीं है यहाँ पे तो रेजिस्टिविटी में क्या होगा कोई चेंज नहीं होगा रेजिस्टिविटी में नो चेंज बट तो चेंज होगा क्योंकि वो एरिया पे डिपेंड करता है अब एरिया को क्या कर रहे हैं हम डबल कर रहे हैं टू ए हो जाएगा एरिया तो अब है रेजिस्टेंस तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो वन बाय ए तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा ए की जगह पुट कर दिया हमने टू को तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारे पास हाफ हो जाएगा नेक्स्ट है इसको मैं लिख देती हूं नेक्स्ट है लेंथ इज हाफ अगर लेंथ को अगर हम हाफ करते हैं, तब देखो सेम यहां पे भी ऐसा ही होगा ये रेजिस्टिविटी तो चेंज होगी नहीं रेजिस्टिविटी में क्या होगा नो चेंज नो चेंज बट रेजिस्टेंस तो डिपेंड करता है तो उसमें तो कुछ ना कुछ चेंज होगा तो अगर हमने क्या इसमें किया इसमें लेंथ को हाफ किया लेंथ तो अब लेंथ तो इसके वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो अगर हाफ कर दिया तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा नेक्स्ट है हमारे पास टेम्परेचर टेम्परेचर पे किस तरह मतलब कि वो करेगा तो देखते हैं इसमें मैंने शायद थोड़ा गलत लिख दिया टेम्परेचर इंक्रीज होगा देखो लिख देती हूँ इंक्रीज होगा टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा अब तो भाई दोनों में कुछ ना कुछ होगा क्योंकि दोनों टेम्परेचर पे डिपेंड तो करते हैं तो कैसे करते हैं उसी के बिहाफ पर हम लिख देंगे पहले देखते हैं रेजिस्टिविटी कैसे करेगी टेम्परेचर रेजिस्टिविटी के कैसे है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है देखो प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा जो हमारे पास रो है वो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या होता है इनवर्सली प्रपोर्शनल तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा जो रो है रेजिस्टिविटी है वो क्या हो जाएगी डिक्रीज

अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कुछ पार्ट है मतलब कि इजी होते हैं जो रेजिस्टिविटी से मतलब कि वो मतलब कि सेम आते हैं फिर उसका वो होना चाहिए बस आपको क्या पता होना चाहिए इन क्वेश्चन को करने के लिए कि कौन सा फैक्टर कैसे डिपेंड कर रहा है या फिर कोई सा कर भी रहा है या नहीं कर रहा है तो सेम एक और क्वेश्चन ले रखा है वट विल बी हैपन इफ एरिया इज हाफ टेम्परेचर इज डिक्रीज डायमीटर इज डबल ये भी ही है कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का ही निकालना है कि दोनों पे कैसे फर्क पड़ेगा रेजिस्टेंस ले लेते हैं और यहां ले लिया हमने रेजिस्टिविटी बस देखते जाओ और करते जाओ इजी तो है ट्राई करना है बस एक बार थोड़ा सा एफर्ट लगेगा बाकी सारा अपने आप हो जाएगा फर्स्ट है एरिया इज हाफ अब देखो एरिया इज हाफ एरिया को हाफ कर लो रेजिस्टेंस रजिस्टेंसिटी टू द एरिया तो क्या होगा क्या होगा क्या होगा हाफ कर दिया ना तो एरिया क्या हो गया हमारे पास हाफ ए की जगह इसको पुट करो आर इज इनपोर्सनल टू वन बाय टू अब देखो ये यहाँ टू में ऊपर ले जाएंगे मतलब की होगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा डबल अब है रेजिस्टिविटी सारी भाई देखो ये बेचारी ज्यादा कुछ नहीं करती दो चीज पे डिपेंड करती है एरिया पे डिपेंड करती नहीं है तो क्या होगा सेम मासूम यह बेचारी कुछ करती नहीं है बस दो ही है आसान है इसको याद करना छोटा सा एक सिंबल दिया और एक दिया है बस वो याद कर लो रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट अपने आप हो गया ज्यादा दुख देता है ये, नेक्स्ट है टेम्परेचर डिक्रीज अब देखो अब तो दोनों करते हैं चलो भाई थोड़ा सा कर लेते हैं बेचारी कुछ कर नहीं रही है कुछ तो करेगी अब टेम्परेचर को क्या करना है इसने डिक्रीज कर दिया इसके जरिए तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्या हो जाएगा वन बाय एटी तो रजिस्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी इंक्रीज होगी देखो ये टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज कर दिया resistivity increase कर हमने, ठीक है अब है है इसका resistance का क्या होगा? Resistance भाई है थोड़ा डायरेक्टली परपोज होता है तो ये भी डिक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है अब next, क्या हमारे पास डायमीटर को डबल कर दिया डायमीटर देखो फिर से कुछ नहीं करेगी ये ये तो नो no चेंज हो जाएगा बिकॉज ये डायमीटर पे डिपेंड ही नहीं करती ये जो रेजिस्टेंस है ये करता है तो अगर को हमने क्या किया है डायमीटर को हमने डबल किया है डायमीटर पे कैसे डिपेंड करता है ये इनवर्सली डायरेक्टली ये करता है इनवर्सली और वो भी उसके स्क्वायर के मैंने बताया नहीं होगा बहुत बता देती हूँ एक बार कांग्रिया कांग्रिया रेजिस्टेंस फैक्टर डायमीटर ये रहा स्क्वायर ऑफ ऑफ डायमीटर गिवन एरिया बता देती हूँ एक बार कि जो ये होगा ये इसके डायमीटर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा जो रेजिस्टेंस होगा ठीक है ये याद रखना मैंने तो याद नहीं रखा आप थोड़ा याद रख लेना अब है डायमीटर इज डबल अब देखो फॉर्मूला देखो क्या है डायरेक्टली है इनवर्सली है क्या है आर इजर्सली पर्पोर्शनल टू द स्क्र ऑफ डायमी डायमीटर क्या है डबल किया हमने डायमीटर को डबल कर दिया मतलब टू तो टू का स्क्वायर वन बाय फोर आर क्या हो जाएगा राइटिंग में मत जाना विल बी वन फोर ये भी हो गया चलो अब आगे बढ़ते हैं आगे कुछ बस आज के लिए इतना ही होते हैं सब्सक्राइब कर देना अगर समझ आ गया हो लाइक कर देना और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर देना और नोट्स के लिए मैंने लिंक दिया है टेलीग्राम पे उसको ज्वाइन कर लेना थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो